माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, दीक्षित क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछले वीडियो जो थे उसमें हम सम्स नंबर 32 तक बनाए थे और एक जो है 33 आप लोग खुद से बनाइएगा। उस पर आज शुरू करते हैं 34 से, और उसके बीच में भी बहुत सारा सम्स मिसिंग था जो आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं और आप लोग उसको होमवर्क कॉपी में बनाएंगे। चलिए फिर 34 नंबर से स्टार्ट करते हैं। यह है सम्स एक्सप्रेस 77 एज द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। 77 को 2 स्क्वायर के डिफरेंस में एक्सप्रेस करना है। किसमें करना है? एक्सप्रेस ऑफ 77 इन डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। आप लोगों को याद है वो ए बी का फॉर्मूला, ए बी इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, उसी फॉर्मूले को लगाएंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं और लिखेंगे सॉल्यूशन। पहले 77 को हम लोग लिख लेते हैं। 77 इक्वल टू क्या होगा? ये होगा 11 इंटू 7। ओके, 11 7 जा 77। पहले तो 77 को हम लोग 11 इंटू 7 के फॉर्म में लिख लिए, और ये 11 क्या है? a, और 7 क्या है? b। अब देखिए a इंटू बी हुआ, ये a इंटू बी मतलब ए बी, तो ए बी का वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। कौन सा? ए बी का फॉर्मूला जो आप लोगों को हम पहले वीडियो नहीं होगा तो आप फिर से देख लीजिएगा, नहीं तो बुक में देख लीजिए, फॉर्मूला दिया हुआ है। ए बी इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। चलिए फिर उसी को लिखते हैं। ए बी इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है। देखिए फॉर्मूला अगर आप लोग याद रखेंगे तो सम ज्यादा आसान होगा। ए बी इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब सिर्फ वहां पे वैल्यूज रख दीजिए, कुछ भी नहीं करना है आपको। ए कितना हुआ? अगर 77 को हम लोग 11 इंटू 7 लिखे हैं तो दैट मीन्स ए क्या है? 11, और बी क्या है? 7। तो जहां पे ए है वहां पे आप 11 रख दीजिए, जहां पे बी है वहां पे 7 रख दीजिए। तो क्या होगा? वैसे ही ब्रैकेट में रखते हैं, 11 प्लस 7, ओके, बाई 2, और ब्रैकेट लगा करके इसको स्क्वायर कर देंगे, माइनस दूसरे ब्रैकेट में 11 माइनस 7 बाई 2, इसको भी स्क्वायर कर देंगे। बस यही तो करना है। a का मतलब 11, b का मतलब 7, तो एक बार हो जाएगा 11 प्लस 7 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 11 माइनस 7 बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ a माइनस बी है, a माइनस बी, a के जगह पे 11, b के जगह पे 7। ओके, उसके बाद क्या होगा? 11 में 7 प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 18, तो 18 बाई 2 इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस, यहाँ पे क्या होगा? 11 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 7 4 11 माने 4, 4 बाई 2, और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे आप काट देंगे, 2 1 जा 2, और इसको काटेंगे तो कितना होगा? 2 9 जा 18, इसको काटेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माने कितना आया? यहीं पे लिख देते हैं, कितना बचा यहाँ पे? 9, तो यहाँ लिखेंगे 9 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे कितना बचा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 बचा था, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 का स्क्वायर। देखिए यही आंसर है, आंसर आप लोग मिला लीजिए यहाँ पे, 9 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। कौन सा मुश्किल सम सही? कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन दिया हुआ था एक्सप्रेस 77 एज डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। डिफरेंस माने माइनस होता है, माने 2 स्क्वायर के माइनस में करना है। आंसर देख लीजिए, ये दोनों पे स्क्वायर है और ये डिफरेंस है। डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का मतलब होता है कि दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। इसी फॉर्म में आंसर आएगा, देखिए वही आया भी है, 9 स्क्वायर माइनस 2।
ओके, चलते हैं अगले सम्स में। 34 आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं। अरे 35, अब आगे है 36। 36 नंबर में क्या दिया है? व्हाट इज टू बी एडेड विद 4x² प्लस 12x सो दैट सम इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 4x² प्लस 12x में क्या प्लस करेंगे? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज टू बी एडेड विद 4x² प्लस 12x सो दैट सम इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हम बताएं आप लोगों को परफेक्ट स्क्वायर किसको कहते हैं। सम अगर p प्लस q के होल स्क्वायर के फॉर्म में हो, या p माइनस q के होल स्क्वायर के फॉर्म में हो, या a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में हो, या a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में हो, या x प्लस y के होल स्क्वायर के फॉर्म में हो, तब हम उसको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर में आपको करना है ये 4x² प्लस 12x। क्या करेंगे पहले तो इसको सेट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहले हम लिख लेते हैं 4x² 4x² प्लस 12x, इतना लिख दिए। अब इसको तोड़िए। देखिए 4x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x लिख करके ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर सकते हैं। यस या नो बोलिए। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर हो जाएगा x² मतलब 4x² को हम ये लिख सकते हैं, 2x ब्रैकेट लगा के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में तोड़ रहे हैं, तो ये 2x का स्क्वायर हो गया। प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो कुछ होगा, अभी उसको सिर्फ हम ब्रैकेट बना करके स्क्वायर डाल के लिखते हैं। ये हुआ ए स्क्वायर, ये होगा बी स्क्वायर, क्या होगा अभी हम लोग को नहीं पता है। प्लस अब यहाँ पे आप फॉर्मूला पूरा कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसा सम था, यहाँ पे सर ने कुछ लिखा ही नहीं। आप देखते जाइए, अभी वहां पे लिखेंगे हम। ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद फॉर्मूले में क्या होता है, प्लस 2ab प्लस 2 डॉट। अब आप बोलेंगे प्लस कहाँ से आया, तो ये प्लस है, उसको देख करके यहाँ पे प्लस लिखेंगे। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो उसको देख के यहाँ माइनस लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे होगा 2x डॉट, 2x कहाँ से है, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी बी स्क्वायर लिखे नहीं है हम लोग, प्लस 2a माने यहाँ से आया 2x डॉट b। b कहाँ से आएगा, यहाँ से, तो यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा। अब चलिए हम लोग इस 12x को देख करके पता लगाते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। जितना अभी तक हम लोग लिखे हैं वो कितना हुआ है, 2 टू द 4 4x, यही ना हुआ है, 2 टू द 4x 4x हुआ है, और यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे b आएगा, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 12x। अब आप बताइए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये 12x हो जाएगा, 2 टू द 4x ऑलरेडी लिख दिए हैं, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये 12x होगा। अगर यहाँ पे हम लोग 3 लिख देते हैं तो 3 टू द 6 टू द 12 हो जाएगा कि नहीं, माने b जो है वो 3 हुआ, वही 3 यहाँ पर भी लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब शायद आप समझ पाए ये पूरा फॉर्म कंप्लीट हो गया। और कहाँ से ये 3 आया हम यहाँ पे देखेंगे, जब हम पहले इसको देख करके ये लिख लिए कि 4x² दिया है, तो 2x लिख के ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर दिए, प्लस इसको 3 लिख करके, सॉरी माने ब्रैकेट लगा के पहले छोड़ देंगे, उसके बाद प्लस 2a उठा के यहाँ से रख देंगे, और b के लिए यहाँ पे खोजेंगे, यहाँ पे 12x दिया हुआ है, और यहाँ पे मेरा कितना आया है, 2 टू द 4x, यानी 3 अगर इसमें हम डाल देंगे तो 4 थ्री द 12x आ जाएगा, यानी इसके बराबर हम लिख लिए, और प्लस हमको 3 मिल भी गया, वो 3 उठा के यहाँ पे रख देंगे। अब देखिए तो अगर इतना लिखा हुआ हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसके बदले आप क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का मतलब है 2x प्लस बी का मतलब है 3, और यहाँ ब्रैकेट लगा करके स्क्वायर कर देंगे। अब ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में हो गए, और ये आंसर नहीं है। आंसर देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ, 9, आंसर कितना आया है, 9। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, देखिए स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है,
कि व्हाट इज टू बी एडेड टू दिस सो दैट द सम इज द परफेक्ट स्क्वायर. तो सम तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया है, ध्यान से आप सुनिए, सम तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, लेकिन हम ऐड क्या किए हैं. तो ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, अरे भाई 12 एक्स के बराबर ही तो ये लिखे हैं. तो हम लोग ऐड क्या किए हैं, इतना ऐड किए हैं, यही ऐड किए हैं, 3 का स्क्वायर. यानी हम लोगों का आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 9. 3 का स्क्वायर आप ऐड किए हो, 3 नहीं, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, यही 9 यहाँ पे आया हुआ है. समझ में आ गया. चलिए फिर चलते हैं अगले सम्स में. 37 नंबर, इसमें दिया है x इक्वल टू 3y. अगर x का वैल्यू 3y हम रखते हैं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर. किसका वैल्यू निकालना है, x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर. तब जब x इक्वल टू 3y हो तो. ओके, सम्स आप लोग समझ गए. पहले हम लोग पहले तो पेन लेते हैं, पहले इसको हम लोग अपने फॉर्म में सेट करते हैं. ये क्या होगा, क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर. ओके, अब इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में सेट कीजिए. पहले होगा x, यहाँ पे ब्रैकेट लगा करके स्क्वायर कर दीजिए, ये ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर इसको देख के कीजिए, ये क्या होगा, 3y ब्रैकेट लगा करके स्क्वायर कर दिए, 3 का स्क्वायर 9 होगा और y का स्क्वायर y स्क्वायर होगा, इसके बराबर लिख दिए, माइनस 2 डॉट a उठा के यहाँ से रख दीजिए, x डॉट b उठा के यहाँ से रख दीजिए, 3y. देखिए पूरा सेटिंग हो गया. और एक बार आप मिला भी लेंगे कि इसके बराबर हुआ है या नहीं, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हुआ, और ये 3y का स्क्वायर करेंगे तो 9y स्क्वायर होगा. अरे 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर 9. जितना ये सम्स दिया होता है उसी के बदले आप लिख रहे हो. तो एक एक टॉपिक को मिला लेंगे कि पूरा हो रहा है कि नहीं, x स्क्वायर के बदले ये लिख दिए, 9y स्क्वायर के बदले ये लिख दिए, माइनस 2 a हम लोग यहाँ से लिए हैं और b यहाँ से लिए हैं. फॉर्मूला तो हम लोग पूरा कर लिए. अब देखिए क्या ये माइनस 6y आ रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल आ रहा है. 3 में 2 का इंटू करेंगे कितना होगा, 6 और xy, यहाँ xy ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है. अब अगर इतना लिखा हुआ है तो इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3y का होल स्क्वायर लिखेंगे या नहीं, x माइनस 3y का होल स्क्वायर, x माइनस 3y का होल स्क्वायर. यहाँ तक सबको समझ में आ गए, x माइनस 3y का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसके बदले a माइनस b का होल स्क्वायर. a क्या है मेरा x और b क्या है 3y. अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि x का वैल्यू 3y रखने पे, यहाँ देखिए क्वेश्चन में जो दिया है x इक्वल टू 3y, तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x. क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू रखने पे. x का ये है x इक्वल टू 3y दिया हुआ है, माने जहां पे x है वहां पे आप 3y लिख दीजिए, जहां पे x है वहां पे आप 3y लिख दीजिए. तो क्या होगा यहाँ पे, 3y माइनस 3y का स्क्वायर. समझ में आ रहा है सबको, ये x का वैल्यू 3y रखे हैं तो x की जगह पे 3y लिख दिए, माइनस दे दिए ये, और यहाँ पे तो 3y पहले से है तो 3y लिख के इसका स्क्वायर कर दिए. यहाँ देखिए आप, ये 3y कट गए, कितना आया, 0, तो 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा. तो ये रहा आंसर आपका 0. ठीक है, समझ गए सब लोग. चलिए फिर अगले सम्स में चलते हैं. 38 नंबर, क्या दिया हुआ है,
x माइनस वाई इक्वल टू 6 एंड एक्स वाई इक्वल टू 60। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ेंगे, अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा तो दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे। x माइनस वाई इक्वल टू 6, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6 और एक्स वाई इक्वल टू 60। हमसे पूछा क्या जा रहा है, x प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा ये हमको बताना है, x प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा ये बताना है। x प्लस वाई का वो फॉर्मूला लिख दीजिए आप लोग, फॉर्मूला आपके बुक में दिया है, वीडियो हम आप लोगों को दे चुके हैं, पहले वीडियो में है सारा फॉर्मूला। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है, ये x माइनस वाई के रूप में लिखेंगे, ये इक्वल टू है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, x माइनस वाई के रूप में तो होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर और उसके बाद प्लस 4xy, क्या होगा प्लस 4xy, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। और फॉर्मूला याद करने का तरीका भी आप लोगों को बताए हैं कि अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, मैंने अंदर में माइनस तो बाहर में प्लस। अब देखिए बहुत आसान है जी, x माइनस वाई का दिया हुआ है वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ पे x माइनस वाई की जगह पे 6 लिखिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए प्लस 4 इंटू एक्स वाई, एक्स वाई इक्वल टू 16 दिया हुआ है तो यहाँ पे 16 रख दीजिए। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस 16 4 जा 64, 36 और 64 दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 100, कितना आएगा 100, अरे 6 4 10 0 कैरी 1 6 3 9 1 10। x प्लस वाई यहाँ पे लिख देंगे, x प्लस वाई का स्क्वायर, x प्लस वाई का स्क्वायर ये तो निकाल रहे थे ना हम लोग, x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो निकाल रहे थे, यहाँ पे लिख दीजिए, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 है। देयरफॉर हमसे पूछा क्या है, x प्लस वाई, यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, x प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा, तो अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 है देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ से आप स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 100 और 100 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना होगा 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब देखिए यहाँ पे आंसर क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई का वैल्यू प्लस माइनस 10, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए प्लस माइनस 10, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, 10 भी लिखेंगे तो चलेगा, प्लस माइनस इसलिए लिखा हुआ है कि अगर आप देखिए ध्यान से सोचिए, 3 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो भी 9 आता है, माइनस 3 का स्क्वायर करते हैं तो भी 9 आता है, अगर 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, अगर माइनस 4 का स्क्वायर करते हैं तो भी 16 आता है, लेकिन अगर 16 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो जनरली हम लोग 4 लिख देते हैं, टेक्निकली वो गलत होता है, अगर 16 का स्क्वायर रूट लिख रहे हैं तो हमको लिखना चाहिए प्लस माइनस 4, क्योंकि अगर 4 का स्क्वायर करने पे 16 आ रहा है और माइनस 4 का भी स्क्वायर करने पे 16 आ रहा है तो 16 का स्क्वायर रूट सिर्फ 4 क्यों होगा, माइनस 4 क्यों नहीं होगा। उसी तरीके से अगर 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 10 होगा, लिखता नहीं है कोई, 10 भी आप लिख देंगे तो चलेगा, समझ गए। चलिए फिर आगे चलते हैं, 39 आपके लिए छोड़ दिए हैं, 40 आप लोग देखिए स्क्रीन पे है आपके, क्या है x इक्वल टू 2, क्या दिया हुआ है x इक्वल टू 2 और ये है इसका वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसी का वैल्यू निकालना है। पहले इसको हम लोग फॉर्मूला के रूप में सेट करते हैं, पहले लिख लेते हैं इसको 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1,
क्या लिखेंगे इसको, 4x² अगर है तो इसको 2x लिख के ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर सकते हैं। प्लस 1 है ये, 1 तो इतना अच्छा नंबर है कि इसको लेके कोई झमेला ही नहीं है। 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है। ये प्लस का साइन आप यहाँ पे लगाइए और अपना फॉर्मूला पे सेट कीजिए, 2 डॉट a की जगह पे ये लिख दीजिए, 2x डॉट b की जगह पे ये लिख दीजिए 1, और देख लीजिए पूरा फॉर्मूला हुआ या नहीं हुआ। हुआ ना, 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x² आ जाएगा। मैंने इसके बदले ये लिखे, ये 1 का यहाँ लिख दिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और बीच में मिला लीजिए 2 2 जब 4 और 4 1 जब 4, ये 4x है। तो इस ये मिला है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4x के बराबर ये लिख दिए। अब देखिए किस फॉर्म में आया, a² + b² + 2ab। इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं, a + b² क्या लिखेंगे, a + b²। ओके, a² + b² + 2ab अगर लिखा हुआ है तो a + b² लिखेंगे। अब यहाँ पे x का वैल्यू जो है, जो 2 दिया हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे, और यहाँ पे एक लाइन आप लिख देंगे, लिखना बोलेंगे नहीं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू रखने पे तो कितना है, 2x। 2x का मतलब 2 और s के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीपल दिया हुआ है, मल्टीपल ही तो होगा ना। तो यहाँ पे हो गया 2 × 2। अब बोलिए कहाँ से है, अरे ये 2 तो यहाँ पे है और × x का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2, तो वो लिख दिए +1 और इसका स्क्वायर कर दिए, यहीं पे कर देते हैं इक्वल टू 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 में 1 प्लस करेंगे कितना होगा 5, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। ये रहा आपका आंसर 25। सबको समझ में आ गया है, चलिए फिर आगे चलते हैं अगले सम्स में। अगला है 41, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द एक्सप्रेशन 9x² + px y + 25y² इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी का वो वैल्यू बताइए, माने पी का वो मान बताना है, वो वैल्यू बताना है जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखिए यहाँ पे पी दिया हुआ है, माने पी के किस वैल्यू को ये सेटिस्फाई करता है और ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में होता है। ये क्या लिखा हुआ, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या करेंगे, पहले तो इसको लेकर के हम लोग फॉर्मूले पे सेट करते हैं। डायरेक्ट लिखते हैं, नहीं सम लिख ही देते हैं, 9x² + px y + 25y² ये है क्वेश्चन। अब 9x² को क्या लिख सकते हैं, 3x लिख के ब्रैकेट लगा के स्क्वायर करेंगे, प्लस ये 25y² को 5, रुकिए फिर से लिखते हैं, 9x² को क्या लिख सकते हैं, 3x लिख के ब्रैकेट लगा के स्क्वायर करेंगे, प्लस थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, प्लस 25y² को क्या लिख सकते हैं, 5y लिख के ब्रैकेट लगा के स्क्वायर किए, पहले किनारे किनारे का सेट करवा, बीच का अपने आप सेट हो जाएगा। 9x² को ये लिख सकते हैं 3x² होल स्क्वायर। अब तुरंत देख लीजिए 3 का स्क्वायर 9 और x² x², और ये 5y को 5 का स्क्वायर 25 y का स्क्वायर y 25y² के बदले ये लिख दिए। जब आप किनारे किनारे का सेट कर लिए तो बीच का आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है, कोई दरकार नहीं है इसको देखने का, आप अपने फॉर्मूला पे आगे बढ़िए। क्या होता है, a² + b² + 2a, a का मतलब 3x डॉट b का मतलब
5y हो गया है, और इसको आप मिला लीजिए, इसके बराबर होगा, अभी यहाँ नहीं मिलेगा क्योंकि हमको तो p का वैल्यू निकालना है, तो कैसे इसके बराबर होगा? अब इसको आप वापस उसी फॉर्म में कर दीजिए, माने ऊपर वाले फॉर्म में, तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? अब बोलेंगे कि फिर वापस से उस फॉर्म में क्यों कर रहे हैं, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। 3x स्क्वायर लिख दिए, अरे 9x स्क्वायर लिख दिए, प्लस इसको इंटू कीजिए तो कितना होगा, 5 3 15 और 15 2 30, 30xy होगा, 5 3 15, 15 2 30 xy, प्लस इसको 5y का स्क्वायर है तो ये वापस यही आ जाएगा, 25y स्क्वायर, 25y स्क्वायर, पूरा ये लाइन बन गया। अब आप इस लाइन से इस लाइन का कंपेयर कीजिए, 1-to-1 कंपैरिजन। यहाँ पे आप एक लाइन लिख देंगे, क्या, बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग माने ये, इसको हम लिख देते हैं ये और ये, लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए। आप यहाँ पे इक्वेशन भी करके लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 1 कर दीजिए, ये इक्वेशन 2 कर दीजिए, बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए अगले पेज में चलते हैं, कैसे कंपेयर करेंगे, पहले ऊपर वाले लिख लेते हैं, 9x स्क्वायर प्लस pxy, इतना ही था ना, आप बुक देखते रहिए, आपके सामने बुक है, pxy प्लस 25y स्क्वायर और इक्वल टू का साइन डाल करके कंपेयर करेंगे, क्यों, क्योंकि वहां पे बोला हुआ है इक्वल टू, 9x स्क्वायर प्लस 30xy प्लस 25y स्क्वायर, देख लीजिए, पहला ये है 9x स्क्वायर प्लस pxy प्लस 25y स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस pxy प्लस 25y स्क्वायर, और उससे इसका कंपेयर करेंगे, 9x स्क्वायर प्लस 30xy, 9x स्क्वायर प्लस 30xy प्लस 25y स्क्वायर, ओके। 1-to-1 कंपेयर अगर करेंगे तो आप देखिए, ये 9 पेन चेंज करते हैं, ये 9x स्क्वायर, ये 9x स्क्वायर से कट जाएगा, दोनों सेम है और दोनों का साइन भी सेम है। आप बोलेंगे कैसे कट जाएगा, अरे भाई 9x स्क्वायर को इधर ले आओगे तो इधर कोई साइन नहीं, माने प्लस माना जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस है तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो डायरेक्ट आप यहीं पे काट दो, और ये 25xy स्क्वायर 25y स्क्वायर इससे कट गया, उसके बाद क्या बचा है, कलर चेंज कर देते हैं, उसके बाद क्या बचा, pxy, क्या बचा, pxy, यहाँ पे, अरे भाई ये दोनों कट गए, तो यहाँ पे बचा pxy इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, 30xy, क्या बचा, 30xy, 30xy, चलिए एक बार फिर से काटते हैं, ये x, x से कट गया, y, y से कट गया, आप यहां भी काट सकते थे, क्या बचा, p इक्वल टू 30, देखिए आंसर क्या आया है, 30 यहां पे प्लस माइनस, वही बात जो आपको बोले पिछले सम्स में, यहाँ पे प्लस माइनस आप लिख सकते हैं,
यहाँ पे प्लस माइनस 30 लिख देंगे, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। चलते हैं अगले सम्स में, 42। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए टू द पावर 15 प्लस 1 बाई ए टू द पावर 15, इसका वैल्यू निकालना है हमको, और ये दिया हुआ है। पहले इसको लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। चलिए इसको फॉर्मूले पे सेट करते हैं हम लोग, ए लिख दिए ब्रैकेट लगा करके स्क्वायर कर दिए, प्लस ये वन, वन तो इतना अच्छा नंबर है कि वन का स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों सेम होता है, तो वन का स्क्वायर लिख दिए, इसके बराबर हो गया। ये माइनस का साइन उठा करके यहाँ से लिखिए, प्लस हमारे माइनस टू डॉट ए उठा के यहाँ से रखिए जो मेरा ए ही है, और ये बी उठा के यहाँ से रखिए जो वन है। देखिए इस पूरे के बराबर हम लोग लिख दिए और हम लोग फॉर्मूला में सेट भी कर लिए, इतना सारा सम बना चुके हैं। अब तो आप लोगों को ये सेटिंग करने आ ही गया होगा, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, ए लिख करके ब्रैकेट लगा के स्क्वायर किए तो इसके बराबर हो गया, ये मेरा ए स्क्वायर बना, ये प्लस 1 लिख के स्क्वायर कीजिए बी स्क्वायर बन गया, ये माइनस यहाँ है तो यहाँ माइनस दो गया, अगर प्लस है तो यहाँ प्लस दो गए। इसको लेके साइन को लेके कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फॉर्मूले में होता है 2a उठा के यहाँ से रखेंगे बी उठा के यहाँ से रखेंगे यानी यहाँ, और अब सबका इंटू करके देखिए 2 1 2 2a, 2a के बराबर हो गया ये, इसके बराबर ये हुआ, इसके बराबर ये। अगर इतना लिखा हुआ है तो इसके बदले आप क्या लिखेंगे, a माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे या नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर हुआ, तो a माइनस 1 का स्क्वायर। एक चीज हम लोग भूल रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 लिखिए, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, a माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, देयरफॉर a माइनस 1 इक्वल टू 0 ही होगा, भाई यहाँ पे a माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो a माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे अंडर रूट कर दीजिए, तो अंडर रूट 0 होगा तो फिर वो 0 ही आएगा, अंडर रूट 0 तो 0 ही आएगा, मतलब a माइनस 1 इक्वल टू 0 है, देन देयरफॉर a इक्वल टू 1, अरे ये 1 को इधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे प्लस करा है तो ले जाके माइनस करेगा, 0 प्लस 1 यानी 1, a का वैल्यू निकल गया 1, कितना आया a का वैल्यू 1। अब उसके बाद ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आप ध्यान से देखिए, a टू द पावर 15 प्लस 1 बाई a टू द पावर 15, क्या दिया हुआ है, a टू द पावर 15 प्लस 1 बाई a टू द पावर 15, पहले इसको लिख लेते हैं, a टू द पावर 15 प्लस 1 अपॉन a टू द पावर 15, इसी का वैल्यू निकालना है हम लोगों को, और a का वैल्यू 1 है, हम लोग निकाले हैं a इक्वल टू 1, तो जहां पे a लिखा हुआ है वहां पे आप 1 लिख दीजिए, तो ये हुआ 1, और 1 का पावर 15 प्लस 1 बाई, यहाँ भी a है तो a की जगह पे लिख देंगे 1 और 1 टू द पावर 15। अच्छा 1 टू द पावर 15 अगर होगा तो ये आंसर 1 ही आएगा, आएगा या नहीं, देखिए पावर का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग करते हैं a स्क्वायर, a स्क्वायर तो इसका क्या मतलब होता है, a इंटू a दो बार लिखते हैं, अगर मान लीजिए ये a क्यूब हो तो क्या लिखेंगे उसको, a इंटू a इंटू a, उसी तरह से अगर ये a 15 हो तो क्या लिखेंगे, a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a 15 बार लिखेंगे ना, तो उसी तरीके से अगर 1 का पावर अगर 15 है, 1 का पावर अगर 15 है तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, ये 15 बार लिखेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे 1 ही तो आएगा ना, 1 1 जा 1, फिर 1 1 जा 1, फिर 1 1 जा 1, तो पूरा मिला के 1 ही तो आएगा, समझ गए आप लोग, एक
का पावर 15 है तो ए 15 बार लिखेंगे, तो लाइक दैट 1 का पावर अगर 15 है, क्या मतलब हुआ 1 15 बार लिखेंगे, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 अगर 15 बार लिखेंगे तो वो तो 1 ही आएगा आंसर ने, तो यहाँ ए टू द पावर 15 के बदले लिख दिया 1, ना सॉरी 1 टू द पावर 15 का मतलब 1 प्लस यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो ये लिख दिया 1, और यहाँ 1 टू द पावर 15 है इसका भी वही आएगा 1, तो क्या आया 1 प्लस 1 अपॉन 1, 1 प्लस 1 बाई 1, ये 1 1 कट गया तो यहाँ भी 1 ही बचेगा, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, यही आंसर है, देख लीजिए 2 आया हुआ है। आंसर 2 है, सबको समझ में आ गए। चलिए फिर आगे चलते हैं, ये कितना नंबर था 42, उसके अगला है 43। व्हाट इज टू बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर सो दैट द डिफरेंस इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्या दिया हुआ है, व्हाट इज टू बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसमें से क्या माइनस करें सो दैट द डिफरेंस इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कितना हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए पहले इंक चेंज कर देते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं, पहले हम लिख ही लेते हैं कि हम किसको माइनस करेंगे। लेट x be subtracted, let x be subtracted, मान लिया x माइनस कर दी, let x be subtracted, किसमें से ये जो दिया हुआ है ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मान लिया इसमें से ए माइनस करने पे एक्स माइनस करने पे हमको इतना मिलता है, तो पहले इसको उसी तरह से लिख लीजिए, तो कितना होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स इसमें से माइनस कर रहे हैं और इक्वल टू माइनस करने पे कितना आ रहा है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, इतना आ रहा है। ये क्या कर रहा है, व्हाट इज टू बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट द डिफरेंस इज इक्वल टू दिस, मतलब इसमें से हम क्या माइनस करें कि ये मिले, हम यहाँ पे मान लिए कि लेट x बी सबट्रैक्टेड, मान लिया कि इसमें से हम x माइनस कर रहे हैं, तो यही क्वेश्चन है ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स, इसमें से एक्स माइनस कर दिए इक्वल टू कितना आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जो दिया हुआ है इसको लिख दिए। अब इसको तो ऐसे ही रखिए, इसको एक्सपेंड कीजिए अगली लाइन में, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू, इसको एक्सपेंड कीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, अब तो आप लोगों को सम बनाते बनाते याद भी हो गया होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब देखिए जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, तुम क्या कट रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे ए स्क्वायर, ये कट गए, ये बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये भी कट गया, सेम साइन रहेगा तभी काटेंगे, आपको ये ध्यान रहे कि ये ए स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है इसके संग कट जाएगा, ये बी स्क्वायर इधर आएगा तो इधर में प्लस है, इधर आएगा तो माइनस होगा, तो ये बी स्क्वायर प्लस है इसके संग कट जाएगा, इसलिए अगर यहाँ पे ए स्क्वायर का साइन प्लस है तो यहाँ भी ए स्क्वायर का साइन प्लस है तो दोनों कट जाएगा। पिछली वीडियो में भी हम बोले थे कि अगर यहाँ पे ए स्क्वायर का साइन माइनस है तो नहीं कटेगा,
क्योंकि अगर यहाँ माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तब तो इसके संग ऐड हो जाएगा, तो ए स्क्वायर से कट गया, बी स्क्वायर से कट गया। और देखिए और कुछ कटेगा नहीं, नहीं कटेगा, तो जो बचा है उसको लिख लीजिए, क्या बचा है ए बी माइनस एक्स, यही ना बचा है ए बी माइनस एक्स, यहाँ पे बचा इक्वल टू, इधर में क्या बचा टू ए बी, माने माइनस टू ए बी, साइन के साथ रखेंगे, यहाँ पे क्या बचा ए बी माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे बचा माइनस टू ए बी। अब ये ए बी को, ये टू ए बी को इधर ला दीजिए और x को इधर ले जाओ, या तो x यहीं पर रहने दीजिए, इस ए बी को इधर ले जाइए, जो भी कीजिए, तो कितना हो जाएगा, चलो हम x को इधर ले जा रहे हैं, टू ए बी को इधर ले जा रहे हैं, तो ये हो गया ए बी और ये इधर आएगा, तो कितना होगा प्लस टू ए बी इक्वल टू एक्स होगा, देख लीजिए ए बी जहाँ है वहीं पे है, इसलिए नो चेंज इन साइन, ये टू ए बी माइनस है इधर आ गया तो प्लस हो गया, और ये एक्स जो है वो माइनस है, इसके इक्वल टू के राइट में भेज दिए तो ये प्लस हो गया, यानी ए बी प्लस टू ए बी इक्वल टू एक्स, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना होगा, ए बी में ए बी प्लस करेंगे तो कितना होगा, मैंने थ्री ए बी, टू ए बी में ए बी जोड़ेंगे तो थ्री ए बी, थ्री ए बी इक्वल टू एक्स, या तो एक्स इक्वल टू थ्री ए बी, जो भी ये दिया हुआ आंसर देखिए थ्री ए बी आ गया सबको समझ में। चलिए फिर अगले सम्स में चलते हैं, सम्स नंबर 44, यहाँ भी कुछ उसी प्रकार का है, व्हाट इज टू बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 25 एक्स स्क्वायर प्लस 36 वाई स्क्वायर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ओके वैसे ही कुछ है जैसा पिछले सम्स में अभी अभी उन्होंने बनाए हैं, पहले इसको यहाँ भी वही लिखते हैं कि लेट एक्स बी सब्ट्रैक्टेड, लेट नंबर बदल देते हैं, वहां पे एक्स था तो यहाँ पे पी कर देते हैं, लेट पी बी सब्ट्रैक्टेड, लेट पी बी सब्ट्रैक्टेड, मान लीजिए कि p सबट्रैक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज टू बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इसमें से क्या सबट्रैक्ट करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे दिया नहीं है, पिछले सम्स में देखिए दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ था व्हाट इज टू बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट द डिफरेंस इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे सिर्फ है कि व्हाट इज टू बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो परफेक्ट स्क्वायर जब वो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के या ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में होता है, या एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर या एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के फॉर्म में होता है, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो मान लिए कि पी को हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले इसको, कितना होगा 25 एक्स स्क्वायर प्लस 36 वाई स्क्वायर माइनस पी, ओके ये चलिए मान लिए कि ये पहला है, ये पहला इक्वेशन है, वन टू वन कंपैरिजन करेंगे हम लोग, 25 एक्स स्क्वायर प्लस 36 वाई स्क्वायर माइनस पी, मान लिया कि हम पी माइनस कर रहे हैं, पहले हम लोग ये इसको तोड़ के देखें कि आ कितना रहा है, पहले इसको फॉर्मूले में सेट करो, आप लोग क्या होगा 25 को क्या लिखेंगे, 5x ब्रैकेट लगा करके स्क्वायर कर दिए, 25x स्क्वायर के बराबर हो गया, प्लस यहाँ किनारे किनारे नहीं सेट करना है, बी स्क्वायर ए दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 6y ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर कर दो, देखो 6 का स्क्वायर 36, y का स्क्वायर y स्क्वायर, अरे ये मेरा ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद क्या होता है माइनस, यहाँ माइनस दिया हुआ है तो माइनस दे दो, पी नहीं लिखोगे आप, अपना सम्स को आगे बढ़ाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू, ए का मतलब 5x
डॉट बी का मतलब 6 होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए का मतलब यहाँ से 5x और बी का मतलब यहाँ से 6। अब इसको वापस से 1-to-1 कंपैरिजन करेंगे ना, वापस से इसी फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 5x स्क्वायर का कितना लिखेंगे, 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर प्लस ये 6y स्क्वायर को लिख दीजिए, 36y स्क्वायर माइनस ये कितना हुआ 6, 5 या 30 और 30 में 2 का इंटू करेंगे 60xy, ये मान लीजिए 2 हुआ, इक्वेशन नंबर 2। अब देख लीजिए इन्हीं दोनों का कंपेयर करना है, 1-to-1 कंपेयर करेंगे, या तो ये साइड बाय साइड लिख के करें या तो ऐसे ही करके लिख दें, लेकिन यहाँ पे पहले यहाँ पे लिख देंगे बाय कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग ये 25x² का इससे करेंगे, ये 36 का इसका इससे करेंगे, समझ में आपको आ ही रहा होगा कि आंसर क्या आने वाला है। चलिए अगले पेज में चलते हैं। पहले क्या लिखेंगे 25x² प्लस 36y² प्लस 36y² माइनस पी, पी वाला पहले लिख लीजिए, उसके बाद वहां पे 25 जो दूसरा वाला था 25x² प्लस 36y² माइनस 60xy। देख लीजिए ये था ना पहला 25x² प्लस 36y² माइनस पी, 25x² प्लस 36y² माइनस पी, और सॉरी दूसरा वाला ये 25x² प्लस 36y² माइनस 60xy, वही है 25x² प्लस 36y² माइनस 60xy, 1-to-1 काट देंगे, ये 25x² 25x² से कट जाएगा। देख लीजिए यहाँ कोई साइन नहीं है प्लस, यहाँ भी कोई साइन नहीं तो प्लस, दोनों कट गए। और एक क्या कटेगा, ये 36y² 36y² ये भी दोनों कट जाएगा। देखिए कटेगा कि नहीं, दोनों सेम साइन है। अब उसके बाद जो बचा हुआ है उसको आप लिख दीजिए, जो बचा है उसको लिख देंगे, क्या बचा है यहाँ पे बचा है पी, पी नहीं माने माइनस पी, माइनस पी इक्वल टू माइनस 60xy, ये बचा है ना, दोनों तरफ से माइनस खत्म हो जाएगा, यानी देयरफॉर पी इक्वल टू 60xy, दिस इज योर आंसर, P इक्वल टू 60xy, देख लीजिए 60xy आंसर आया, यहाँ पे दिया हुआ है प्लस माइनस, तो लिख देंगे हम लोग प्लस माइनस, क्या है लिखने 60 का यहाँ लिख देंगे प्लस माइनस, ये समझ में आएगा आप लोगों को क्यों प्लस माइनस आ रहा है, क्योंकि दोनों का फॉर्म स्क्वायर होता है, मेरे फॉर्मूला होता है। आगे है 44 के बाद 45 आप लोग अपने से बनाएंगे, सारा सम सम नहीं बनाया, कुछ कुछ छोड़ दिए है, ये कितना नंबर है 44, उसके बाद ये है 46, 45 आप लोग बना लेंगे, उसी टाइप का है, एक माने एक टाइप का सम सम बना रहे हैं, तो उसी टाइप का अगर दूसरा है तो उसको छोड़ दे रहे हैं। ये x² माइनस 1/y² और यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में है y² माइनस 1/x²
ये दो अलग अलग ब्रैकेट है दिखाई दे रहा है आपको, और इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, माने यहाँ पे इनटू होगा। इसको क्या करना है आपको, एक्सप्रेस दिस एज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में, यानी एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के। इसको करना है, पहले क्या करेंगे, पहले इन दोनों का मल्टीपल ही कर देते हैं। यहाँ पे देखिए इनटू का साइन है, नहीं भी दिया हुआ है तो इनटू ही मानेंगे हम, इसे इनटू लगा भी देते हैं यहाँ पे। इन दोनों का इनटू कर दीजिए। कैसे इनटू करेंगे, एक ट्रिक समझिए आप लोग, ये नीचे ऊपर रख करके भी आप इनटू कर सकते हैं। जैसे हम वहां बताए थे आप लोगों को कि ए प्लस बी, और यहाँ पे अगर दिया हुआ है ए माइनस बी, तो आप यहाँ पे ए में ए का इनटू करेंगे कितना होगा, ए स्क्वायर, फिर ए में बी का करेंगे कितना होगा, प्लस ए बी, फिर ए में बी का करेंगे तो माइनस ए बी, और बी में बी का करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से आप कर सकते हैं, ये ए बी कट जाएगा, आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कर सकते हैं, या तो इसको ये भी तो कर सकते हैं, अगर किसी को मैंने ये है और ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है ए प्लस बी, और यहाँ पे दिया हुआ है ए माइनस बी। आप ये पहला वाला ध्यान से देखिएगा, ये पहला वाला ए लिख दीजिए यहाँ पे, और ब्रैकेट लगा के ये ए माइनस बी पूरा यहाँ लिख दीजिए, ये ज्यादा आसान होगा। ये पहला वाला ए यहाँ लिख दिए, इस ब्रैकेट का पूरा ही यहाँ लिख दो, फिर ये अब ए का मल्टीपल इन दोनों में हो गए, ये फिर ये प्लस का साइन यहाँ दे दो, फिर ये बी यहाँ पे लिख दो, और ये ब्रैकेट वाला फिर से एक बार लिख दो ए माइनस, फिर ए को अंदर डाल दो, कितना होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे हो जाएगा प्लस बी ए या ए बी और माइनस बी स्क्वायर। ये हमको लगता है ज्यादा, ये बी ए कट गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ भी आ गया, ये आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, ये एक्स स्क्वायर करके इन दोनों में मल्टीपल कर दीजिए, फिर वन बाई वाई स्क्वायर करके इन दोनों में मल्टीपल कर दीजिए। शायद हम यहाँ पे समझा पाए आप लोग, अगर दो ब्रैकेट में ऐसे दिया हुआ, ये बहुत कंफर्ट देगा आप लोगों को एग्जाम में, और गलत होने की प्रोबेबिलिटी लगभग नहीं है। ए लिख देंगे पहले, फिर इस ब्रैकेट का पूरा लिख दिए ए माइनस बी, फिर ये ध्यान रहे यहाँ पे प्लस है तो प्लस बी लिख दिए और इस ब्रैकेट का पूरा लिख दिए, फिर यहाँ पे ए को अंदर कर दो, यहाँ से बी को अंदर कर दो। ओके, इसी तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं, ये हमको लगता है कि ज्यादा अच्छा रहेगा, गलत होने की संभावना खत्म हो जाएगी। क्या करेंगे हम, ऐसे ही करें तो पहले ब्रैकेट वाला जो पहला नंबर है पहले उसको लिख लेते हैं, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट का पूरा ही लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर लिख दिए, अब सामने ब्रैकेट बना करके ये पूरा ही लिख दो, क्या वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, माने ये एक्स स्क्वायर लिखे, ये पूरा ही लिख दिए वाई स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ क्या लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर आपने लिख दिया तो यहाँ माइनस बचा, यहाँ माइनस लिखिए, माइनस वन बाई वाई स्क्वायर, वन अपॉन वाई स्क्वायर, और फिर ये ब्रैकेट वाला पूरा लिख दीजिए वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। सबको समझा पाए हम कैसे लिखे हैं, ये एक्स स्क्वायर पहले लिखे, इस ब्रैकेट का दोनों लिख दिए वाई स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, फिर ये आप देखिए, आप यहाँ पे सोचेंगे कि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल तो आपने इस ब्रैकेट में कर दिए, अब यहाँ बचा माइनस वाई स्क्वायर माने वन बाई वाई स्क्वायर, लिख दिए माइनस वन बाई वाई स्क्वायर, फिर ये ब्रैकेट में यही ब्रैकेट का फिर से लिख देंगे ये वाई स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। देखिए एक बार इसका मल्टीपल इन दोनों में हो गया, फिर इसका मल्टीपल इन दोनों में हो गया, ये रहा। अब एक्स स्क्वायर को अंदर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर को इन दोनों में मल्टीपल कीजिए, कितना होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही होगा ना, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल वाई स्क्वायर में होगा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस का साइन दे देंगे ये। अब एक्स स्क्वायर का मल्टीपल इसमें होगा तो कितना होगा एक्स स्क्वायर डॉट वन बाई एक्स स्क्वायर, ये हुआ। अब ये माइनस जब अंदर जाएगा थोड़ा आप अलर्ट हो जाएंगे, माइनस वन बाई वाई स्क्वायर का इसमें करेंगे तो कितना होगा
वन बाई वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ओके। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस जाके इसको प्लस कर देगा, माइनस माइनस प्लस, वन अपॉन वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, चलो अलग अलग ही लिख देते हैं, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, अगले लाइन में एक साथ कर देंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर में हुआ तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर का वन बाई एक्स स्क्वायर में हुआ तो एक्स स्क्वायर डॉट वन बाई एक्स, मतलब ये मल्टीपल है, माइनस वन बाई वाई स्क्वायर इंटू ये वाई स्क्वायर में हो गया, ये माइनस है तो इसको माइनस को प्लस कर देगा, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये प्लस हो गया, वन बाई वाई स्क्वायर या डॉट दे दिए वन बाई एक्स स्क्वायर, ओके। अब अगर देखिए तो कुछ कट रहा है, पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उसी तरह से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर थोड़ा लेंदी है लेकिन सम्स कठिन नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख दिए, ये पेन चेंज करके काटते हैं, ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बोलो क्यों कट जाएगा, अरे यहाँ पे डॉट है, ये ऊपर है ये नीचे है, मैंने ये फ्रैक्शन क्या न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर है, ये दोनों कट जाएगा, और यहाँ पे इंटू का साइन लगा हुआ है तो ये वाई स्क्वायर ये दोनों भी कट जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख दिया मैंने, माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट गया तो यहाँ पे क्या बचा, वन बचा तो वन लिख दिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कटा है, ये मत बोलिएगा कि इधर में बढ़ा के काट देंगे, ये माइनस है, अलजेब्रा में टर्म सेपरेट किए जाते हैं विद द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस, तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, इसके बीच में ये दोनों जो है ये मल्टीपल है, इसलिए ये एक्स एक्स मैंने एक्स स्क्वायर कट गया और यहाँ पे वन बचा। फिर यहाँ पे देखिए ये जो माइनस है इसको यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यहाँ पे वाई स्क्वायर ये दोनों कट गया, यहाँ भी वन बचा, ये वन यहाँ पे लिख दिए, प्लस यहाँ पे मल्टीपल कर दीजिए, वन में वन का मल्टीपल करेंगे तो वन आएगा बाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऑर्डरली लिख दिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, समझ में आए कहाँ से आए, ये डॉट मतलब ये इंटू का साइन है तो वन में वन का इंटू हुआ तो वन वन जा वन है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये दोनों इंटू किए ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद अगर देखिए तो ये वन और वन दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि ये भी है माइनस वन, ये भी है माइनस वन, यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू। चलिए अगले लाइन में चलते हैं, एक्स स्क्वायर पहले इसको देख लीजिए तब अगले लाइन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, अगले पेज में हम लोग इसको जोड़ देंगे, माइनस वन जोड़ के हो जाएगा माइनस टू और प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस माइनस वन दोनों को जोड़ दिए आ गया माइनस टू प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये नहीं बोलेंगे कि माइनस वन दोनों को कर दिया तो सर प्लस वन मारे प्लस टू आ जाएगा, माइनस वन है तो माइनस वन आप दोनों को ऐड कर रहे हैं, माने आप समझ लीजिए कि किसी से आपने एक रुपया उधार ले लिया है, उसके अगले दिन फिर आपने एक रुपया उधार ले लिए तो क्या आप बोलेंगे दूसरे दिन के एक एक दो रुपया माइनस माइनस प्लस होता है मेरा दो रुपया, नहीं ना होता है जी ऐसा, आप उसको दो रुपया देंगे तो माइनस वन मिला के कितना हुआ माइनस टू, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसी को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में सेट करना है, अब देखिए हम सेट कर रहे हैं और आप लोगों को इसी लाइन में सम्स क्लियर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में एक्स वाई लिख के ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर दिए और ब्रैकेट तोड़ेंगे तो वापस यही आएगा एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, थोड़ा दूर लिखते हैं प्लस इसको लिखते हैं
इसका हो गया 1 by x y और यहाँ पे ब्रैकेट लगा करके स्क्वायर कर दी, ये ब्रैकेट पूरा ही है दोनों पे, ये ब्रैकेट पूरा ही है यहाँ पे, तो फिर से लिख दो। कितना है 1 by x y ब्रैकेट लगा करके स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हुआ, और ये y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर हुआ, माने इसके बदले हम ये लिखे और इसके बदले ये लिखे। अब बीच का सेट कीजिए तो दूर दूर किए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। माइनस क्या होता है, इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, ये एक्स वाई जो है ए है और 1 by x y ये भी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होगा 2, ए के जगह पे क्या लिखेंगे एक्स वाई डॉट, बी के जगह पे क्या लिखेंगे 1 by x y। सबको समझ में आ रहा है, हम ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ऐसे लिख दिए एक्स वाई का, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर होगा, इसके बदले ये लिखे और इसके बदले ये लिखे। अब उसके बाद बीच में हम अपने से सेट करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a कहां से आया यहां से, b कहां से आया यहां से 1 by x y। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 का 2 ही हम लिखे हैं, मैंने इसके बदले ये लिखा है, ये आप लोगों को हम पेन चेंज करके बताते हैं। इसके बदले हम ये लिखे हैं और इसके बदले हम ये लिखे हैं, ठीक है, और इस 2 के बदले मैंने ये लिखा है पूरा पूरा यहां से यहां तक सिर्फ 2 के बदले है और ये 2 ही है। ध्यान से देखो आप तो एक्स वाई से कट जाएगा कि नहीं, हम काटेंगे नहीं क्योंकि आप भी काटेंगे नहीं, नहीं तो गलत हो जाएगा सर, हम परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए और ये रहा बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ab, इस फॉर्म में है, माने इसके बदले हम क्या लिखेंगे, अगर इतना लिखा हुआ है तो उसके बदले हम क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 ab, अगर इतना लिखा हुआ है तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, a नहीं लिखेंगे तो a क्या है x y, ये है मेरा a, यहाँ पे लिख देते हैं ये है मेरा a और ये है b, तो यहाँ पे हुआ x y माइनस b की जगह क्या लिखेंगे 1 by x y और इसका कर देंगे स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1 by x y का होल स्क्वायर, यही आंसर है एक्स वाई माइनस 1 by x y, एक्स वाई माइनस 1 by x y का होल स्क्वायर, देख लीजिए यही आंसर एक्स वाई माइनस 1 by x y, ये रहा एक्स वाई माइनस 1 by x y और इसका होल स्क्वायर, ओके okay? यहाँ पे जब आप लोगों को बोले कि ये हम 2 के ही बराबर लिखे हैं तो आप शायद समझ गए होंगे ये एक्स वाई कट जाएगा कि नहीं, बोलो तो ये एक्स वाई कट जाएगा, ये एक्स वाई कट जाएगा तो 2 ही तो बचेगा। आप बोलोगे क्यों कट जाएगा, अरे भाई ये ऊपर है न्यूमरेटर है या डिनोमेटर है तो कट क्यों नहीं जाएगा, कट जाएगा तो 2 × 2 आएगा तो 2 के बराबर ही हम इसको लिखे हैं, तो बोलो जब कट जाएगा तो आप लिखे क्यों है, लिखेंगे नहीं तो ये सेट नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ab, इस फॉर्म में लाने के लिए हमको यहाँ पे ए बी लिखना पड़ा। अगर आप देखिए टेक्निकल रूप से तो हम 2 का 2 ही लिखा हुआ है, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा तो वापस देखिए ये जो लाइन है वो इससे कंपेयर होना चाहिए, तो एक्स वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा,
इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/x² y² और इन दोनों को काट देंगे तो ये 2 आएगा। तो इस ऊपर के बराबर ही ये नीचे का लाइन है और ये फॉर्मूला सेट हुआ है, इसलिए x माइनस 1/x² ये आपका आंसर है। आगे चलते हैं 47। x² क्या दिया हुआ क्वेश्चन, x² + x + 1 ये है ना, x² + x + 1 ये है। और क्या दिया है, इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस, माने x² + x + 1 इसको x + 1/2 2 के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो हमें ये बताना है कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ q, तो q का संभावित वैल्यू कितना होगा, माने q के वैल्यू होने की पॉसिबिलिटी कितना है, q का कितना वैल्यू हो सकता है, ये ऐसे समझिए। कुछ भी नहीं करना है, 1-to-1 कंपैरिजन कर दीजिए, पहले इसको लिख देते हैं ऐसे ही, पहले इसी को लिखिए, दोनों में से किसी को लिख सकते हैं। क्या दिया हुआ है, x + 1/2 2² q² दिया है, x + 1/2 2 q² इक्वल टू किसके बराबर करना है, ये कह रहे हैं इतना इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस, तो इस माने इसको इस फॉर्म में लिखा गया है तो हम पहले इसको लिख दिए x + 1/2 2 q² इक्वल टू, अब इसको लिखेंगे उसके सामने तब ना होगा, कितना है ये x² + x + 1 ये रहा x² + x + 1। अब इसको एक्सपेंड कीजिए तो इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, ए स्क्वायर यानी x² + b² का मतलब 1/4। डायरेक्ट लिख दें, नहीं डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, आप लोग नहीं समझ पाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पहले लिखते हैं, x को ब्रैकेट में लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1/2, इसका होल स्क्वायर कर दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 डॉट ए की जगह पे एक्स, बी की जगह पे 1 हुआ, हुआ तो a² + b² + 2ab, a की जगह पे x और b की जगह पे 1/2, x माने a क्या है मेरा x और b है 1/2, तो a स्क्वायर का मतलब x², b स्क्वायर का मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी x 1/2, उसके बाद क्या है प्लस ये q² क्या है q² इक्वल टू, उसको ऐसे ही रख दीजिए, ये जितना लिखा हुआ है इसको ऐसे ही लिख दीजिए, x² + x + 1 ओके। अब यहाँ पे इसको ठीक से कर लेते हैं, x का माने ब्रैकेट हटा देंगे तो ये हुआ x² + 1/2 2 कितना होगा 1/4 प्लस ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा तो ये 2 और 2 ये काट दिए, कटेगा तो कितना बचे, अगर ये 2 कट गया तो कितना बचा है यहाँ पे एक्स, तो इसको लिख दिए x² + 1/4 प्लस एक्स और प्लस q² ये होगा, तो ये x² के बदले ये लिखे, इसके बदले ये लिखे, यहाँ 2 कट गए, ये ऊपर है माने न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, ये कट गया, यहाँ पे बचा एक्स प्लस ये q² इक्वल टू, इसको ऐसे ही लिख देंगे
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। सबको समझ में आ रहा है? अब उसके बाद देखिए, तो पहले चेंज करते हैं, यहाँ पे जो कटेगा उसको काट देते हैं, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कटेगा, साइन मिला लीजिए, दोनों का सेम साइन रहेगा तभी काटेंगे, कट गया दोनों, उसके बाद कुछ और कटेगा, जी हाँ, ये एक्स एक्स ये भी कट गया, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस। अब क्या बचे? यहाँ पे बचा 1/4 और प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा? 1। क्या क्या बचा यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। क्या बचा यहाँ पे? 1/4 प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, यही बचा 1/4 प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। चलिए अगले पेज में चलते हैं। क्या बचा था? 1/4 प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, यही बचा था। देयरफॉर क्यू स्क्वायर इक्वल टू, ये 1/4 को इधर ले जाओ, यहाँ पे प्लस कर रहा है, इधर जाके माइनस करेगा, तो 1 - 1/4। ओके, अब यहाँ पे 4 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा? 4 माइनस, यहाँ 4 से 4 डिवाइड देंगे तो यहाँ पे 1 आएगा इक्वल टू, 4 में से 1 जाएगा कितना हुआ? 3/4, यानी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3/4, देयरफॉर क्यू इक्वल टू अंडर रूट 3/4, ये रूट पूरा है, अगर क्यू स्क्वायर इक्वल टू, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3/4 होता है, देन क्यू इक्वल टू लंबा रूट बनाएंगे और 3 और 4 दोनों उसमें होगा 3/4, ऐसे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3/4 है ना, तो क्यू इक्वल टू करेंगे तो रूट में दोनों आ जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं रूट, इसको रूट में रहने देते हैं, रूट समझिए, ये रूट 3/2। क्यों? क्योंकि ये रूट 3 का तो जब निकालेंगे तो ये आप जानते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसका डेसिमल में आएगा, उतना निकालने की जरूरत नहीं है, इसको लिख देंगे रूट 3/2। ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 4, इसका निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, यही आंसर है, क्यू इक्वल टू रूट 3/2। देख लीजिए यहाँ पर भी वही है, रूट 3/2 प्लस माइनस दिया हुआ है, हम लोग भी प्लस माइनस कर देंगे, क्या लिखेंगे? क्यू इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3/2। अब बोलेंगे प्लस माइनस कहाँ से आया, तो वही बात है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू इतना आता है, मैंने 3/4 है, क्यू इक्वल टू रूट में होगा, रूट में होगा तो प्लस माइनस दे देंगे, नहीं दे देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन दे देना चाहिए। फिर से एक बार हम बोल देते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x + 1 को इस फॉर्म में लिखा गया है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्यू, कुछ भी नहीं करना है, देखिए हम जैसे ये क्वेश्चन दिया था पूरा ही मैंने लिख दिया, वैसे ही एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और इसको उसके बराबर लिख दिए, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपेंड कर दिए हम लोग, जो कटा वो काट दिए, उसके बाद इवेलुएट किए, यहाँ पे क्या आया 1/4 प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, तो क्यू स्क्वायर निकालना है, 1/4 को इधर भेज दिए, यहाँ पे प्लस कर रहा है, इधर जाके माइनस करेगा, एलसीएम लेके माइनस कर दिए, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3/4 आया, देन क्यू इक्वल टू अंडर रूट 3/4 यानी रूट 3/2। ओके, सबको समझ में आ गया है, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3/2। उसके बाद अगला समस्या है,
48 नंबर, ये भी आसानी है, ज्यादा कठिन है नहीं। x प्लस वाई इक्वल टू 8 दिया है और एक्स वाई इक्वल टू 15 दिया है। क्या दिया है? x प्लस वाई इक्वल टू 8, x प्लस वाई इक्वल टू 8 एंड x वाई इक्वल टू 15, ये दो चीज आपको दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 8 एंड x वाई इक्वल टू 15। क्या निकालना है? x प्लस वाई नहीं निकालना है, x माइनस वाई भी नहीं निकालना है, x और y का अलग अलग वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे हम लोग? दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेते हैं। एक इक्वेशन ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 8। आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, x माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा, इसको हम लोग फॉर्मूला की सहायता से निकाल देते हैं। इस फॉर्मूले का यूज हम लोग कई बार पीछे सम्स में कर चुके हैं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला x प्लस वाई के रूप में क्या होगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये पीछे कई बार आ चुका है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। याद करने का ट्रिक भी आप लोगों को बता दिया, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। अब देख लीजिए, अब x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है, ये रहा x प्लस वाई इक्वल टू 8 दिया है, तो यहाँ पे x प्लस वाई जहाँ लिखा है वहां पे हम लोग 8 लिख देंगे। 8 ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कौन सा ये दो नंबर है, एक ही है, तो 8 माइनस 4 इंटू एक्स वाई का भी वैल्यू दिया हुआ, देखिए 15, तो यहाँ लिख दीजिए 15। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 माइनस ये 15, 4 जा 60, तो 64 में से 60 जाएगा तो कितना आएगा? 4, 8 का स्क्वायर 64 है, ये 15 चौके 60, तो 64 में से 60 गया 4 आया। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 आया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 आया, देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा? अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 है, देन x माइनस वाई इक्वल टू तुरंत आप बोल दीजिए अंडर रूट 4। जब भी यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, देन x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, रूट 4 का मतलब 2। 4 को अब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका 2 आएगा। सबको समझ में आ गए, x माइनस वाई इक्वल टू 2 आ गए। अब हम देखें अगर तो दो इक्वेशन हम लोगों के पास है, दो इक्वेशन मिला हम लोगों, कौन सा है? एक x प्लस वाई इक्वल टू 8 जो ऑलरेडी सम्स में दिया हुआ है, और एक x माइनस वाई इक्वल टू 2 जो हम लोग निकाल लिए। चलिए अगले पेज में चलते हैं। यहाँ पे हम लोग नहीं होगा तो आप लिख देंगे। नाउ We have two equations. अब हम लोगों के पास दो इक्वेशन, क्या है? दो इक्वेशन। कौन कौन से दो इक्वेशन? एक ये है x प्लस वाई इक्वल टू 8 और एक ये है x माइनस वाई इक्वल टू 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है और कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। x प्लस वाई इक्वल टू 8, x प्लस वाई इक्वल टू 8, यही था ना, x प्लस वाई इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। x प्लस वाई इक्वल टू 8, इसको लिख देते हैं, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1, और x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 8, तो
क्वेश्चन में दिया हुआ है और एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू जो हम लोग निकाले हैं, ठीक है। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन सॉल्व करने आपको थोड़ा बहुत तो आ ही गया है, यहाँ पे हम लोग ऐड लिख के ही काम चला लेते हैं, सबट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ तो खुद ही दिख रहा है आपको कि कटेगा। सबट्रैक्ट हम लोग कहाँ करते हैं, यहाँ पे कुछ कटने की संभावना नहीं होती है तो हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है ये वाई वाई कट जाएगा, ये वाई प्लस है ये वाई माइनस है, तो ये सीधे ही कट जा रहा है तो हम लोग क्यों सबट्रैक्ट करने जाएंगे। ये वाई वाई कट गए, एक्स में एक्स जोड़ दो कितना हो जाएगा, टू एक्स, टू एक्स इक्वल टू ये दोनों को जोड़ देंगे टेन। सबको समझ में आ रहा है, यहाँ पे ऐड लिखेंगे। देखो सब्ट्रैक्ट आप लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट लिखोगे साइन चेंज करोगे तो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो एक्स एक्स कट जाएगा वाई वाई जुड़ जाएगा, वो एक ही बात है, दोनों ही तरीके से आ जाएगा। जब सीधे सीधे दिख रहा था तो हम लोग ऐड ही कर दिए, वाई प्लस था यहाँ वाई माइनस था ये दोनों कट गया, एक्स में एक्स जोड़ दिए टू एक्स और आठ में दो जोड़ दिए दस, टू एक्स इक्वल टू टेन, देयर फोर एक्स इक्वल टू फाइव होगा, होगा या नहीं, एक्स इक्वल टू इसको घेरा बना देते हैं, एक आंसर आ गया एक्स इक्वल टू फाइव, एक्स इक्वल टू फाइव मिल गया। अब उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो दो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू एट और x माइनस वाई इक्वल टू टू, इन दोनों में से किसी भी जगह x का ये वैल्यू 5 रख दीजिए और वहां पे आप लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और 2 जहां आपकी इच्छा है। चलिए पहले लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू, putting the value of x in equation 1 में रख देते हैं, चलिए 2 में भी रख देते हैं, आप किसी में भी रख सकते हैं। putting the value of x in equation 1, equation 1 क्या है, क्या है पहले उसको लिख लो, x plus y equal to 8, यही है ना, x plus y equal to 8। अब जहां x लिखा है वहां पे x का जो वैल्यू निकला है 5 वो रख दो आप, तो क्या होगा 5 प्लस y इक्वल टू 8, देयरफॉर y इक्वल टू 8 माइनस 5 होगा इक्वल टू 3। अरे y x प्लस y इक्वल टू 8 ये रहा इक्वेशन 1, अब वहां पे x की जगह पे x का ये वैल्यू 5 यहाँ पे रख दिए तो 5 प्लस y इक्वल टू 8, देन y इक्वल टू 5 यहाँ पे प्लस करा इधर आके माइनस करेगा 8 माइनस 5 3, y का वैल्यू निकल गया 3, कितना निकला यहाँ पे लिख देते हैं y इक्वल टू 3, यही आंसर है। इसको भी घेरा बना दीजिए, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 3, सबको समझ में आ गया है, x इक्वल टू 5 ये रहा पहला और y इक्वल टू 3। एक बार फिर से हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं सम्स को, क्वेश्चन दिया हुआ था देखा यहाँ पे दिया x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 3, एक और दिया या तो x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5, एक ही आप निकाल दीजिए बहुत नहीं, x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 3। फिर से हमें क्वेश्चन बोल देते हैं x प्लस y, यहाँ देखिए x प्लस y इक्वल टू 8 दिया है, x y इक्वल टू 15 दिया है, ये क्वेश्चन है और हमको x और y सेपरेटली निकालना है दोनों का अलग अलग, हम इसी में से ढूंढे हैं, आप भी थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ढूंढ लेंगे। x प्लस y इक्वल टू 8, जब भी x और y दोनों का अलादा अलादा वैल्यू पूछ रहा है दैट मीन्स हम लोगों को दो इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 8, अब हम
किसी भी तरह से x माइनस वाई निकाल दें कि x माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे हो जाएगा। x माइनस वाई हम लोग फॉर्मूला से निकाल दिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लगाए, x माइनस वाई का निकल गया यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू टू। उसके बाद दोनों इक्वेशन को लिख दिए, लिख देंगे ये हम लोग का दो इक्वेशन है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए, एक्स का वैल्यू निकल गया, वाई का वैल्यू निकल गया। ओके अब उसके बाद अगले सम्स में चलते हैं, जो लास्ट में दो सम्स बचा है, एक्सप्रेस एज द परफेक्ट स्क्वायर एंड फाइंड द वैल्यू। परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में करिए और उसका वैल्यू निकालिए। एक्सप्रेस एज द परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में करना है और उसके बाद तब उसका वैल्यू निकालना है। क्या दिया हुआ है, पहले पेन लेते हैं, जीरो पॉइंट सेवन थ्री इंटू जीरो पॉइंट सेवन थ्री, ध्यान से देखिए इसको मान लिया जाएगा ए, और ये जीरो पॉइंट टू सेवन जीरो पॉइंट टू सेवन इसको मान लिया जाएगा बी, और ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। आप देख लीजिए कि अलजेब्रा, हम आप लोगों को जो बोलते हैं कि अलजेब्रा मैथ का सबसे आसान पोर्शन है अर्थमेटिक के कंपेयर में, तो आप यहीं पे देख लीजिए आसान है या नहीं, और आप ईमानदारी से बोलिएगा। इन दोनों का इंटू करेंगे, फिर इन दोनों का इंटू करेंगे, फिर इन तीनों का इंटू करेंगे, फिर उस पर इन सबको प्लस करेंगे, तब ना आंसर आएगा। और यहाँ पे डेसिमल में दिया हुआ है, थोड़ा भी इधर उधर अगर आप लोगों को डेसिमल लगाने में, पॉइंट का प्लेस काउंट करने में अगर कहीं पे गलत हुआ तो गलत हो जाएगा। अब देखिए यही सम कितना आसानी से अलजेब्रा के मेथड से बनता है। वाले क्या करेंगे, लेट क्या मानेंगे, 0.73 इक्वल टू ए, इक्वल टू है ये 0.73 इक्वल टू ए मान लिए, एंड 0.27 इक्वल टू बी, यही तो मानना है। लेट 0.73 ये पहला वाला, इसको ए मान लिए और 0.27 इसको बी मान लिए। अब देख लीजिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे पूरा का पूरा वैसे ही लिख देंगे, जहां जहां जीरो क्या माने हैं, 0.73 इक्वल टू ए एंड 0.27 इक्वल टू, 0.73 का ए माने हैं और 0.27 का बी माने हैं। जहां पे 0.73 है वहां पे ए लिखते जाओ, और जहां पे ये 0.27 वहां पे बी लिखते जाओ, तो इसके बदले क्या लिखोगे आप, ए ए ना, इसके बदले क्या लिखेंगे, ए ए इंटू ए प्लस, इसके बदले क्या लिखेंगे, ये तो टू का टू ही लिखेंगे, इंटू इसके बदले क्या लिखेंगे, बी इंटू सॉरी उसके बदले बी नहीं ए लिखेंगे, टू इंटू ये 7.3 इसके बदले ए लिखेंगे, इंटू ये इसके बदले बी लिखेंगे, प्लस इसके बदले भी इंटू बी लिखेंगे, यही हुआ ना जी। 0.73 काम ए माने हैं तो इसके बदले लिख दिए ए, फिर ये 0.73 इसके बदले लिख दिए ए, फिर यहाँ प्लस का प्लस दिए, फिर ये टू का टू लिख दिए, फिर ये 7.73 इसके बदले ए लिखे, 0.27 इसके बदले बी लिखे, फिर ये प्लस का साइन दिए, फिर ये 0.727 इसके बदले बी लिखे, और इसके बदले भी बी लिखे। अब आप देख लीजिए तो क्या बना है, ए में ए का इंटू किए तो कितना हुआ, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, ऐसे ही लिख देते हैं, इंटू का साइन नहीं देते हैं, टू ए बी प्लस ये बी में बी का इंटू करेंगे तो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, क्या बना है। यहाँ पे एक लाइन आप लिख देंगे, ये जब लिखने के बाद यहाँ पे लिख देंगे तो अच्छा रहेगा,
नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है. नाउ द सम्स of the sum in the form of A and B is. Now the sum in the form of A and B is. मतलब sum जो है A और B के form में ये है. Now the sums in the form of A and B is. अरे पहले sums क्या था? पहले sums तो ये 0.73 और 0.27 के form में था ना. हम यहाँ पे माने कि this equal to A and 0.27 equal to B. जब यहाँ पे ये लिख देंगे तो वहाँ पे नीचे ये line आप लिख सकते हैं. Okay, now the sums in the form of A and B is. अब sums A और B के form में ये रहा. तो ये दोनों A है. A into A तो A square हुआ. ये 2AB है, साफ साफ दिख रहा है. और ये बी स्क्वायर है. देखिए कितना आसान हो जाता है अलजेब्रा से. एक भी कैलकुलेशन करना पड़ रहा है आपको, सिर्फ फॉर्मूला के फॉर्म में आप रख रहे हैं. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB किसका फॉर्मूला होता है? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB किसका फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर. तो इसके बदले आप यहाँ पे लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर. इतना ही ना लिखना पड़ा आपको. अब उसके बाद लिख दीजिए आप यहाँ पे putting the value of A and B. Putting the value. Putting the value of A and B. A और B का वैल्यू रखने पर A का ये हम लोग माने हैं ना 0.73 equal to A माने हैं. तो अब A का वैल्यू वापस से वही रख दीजिए और B का जो माने थे 0.27 वो वापस से रख दीजिए. बस हो जाएगा. पेन लेते हैं पहले. ए का कितना था? ए का कितना हम लोग किए थे? 0.73 ये था ए का. क्या यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर यही है ना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर. तो 0.73 ये हो गया ए प्लस बी के जगह पे क्या था 0.27. इसका स्क्वायर कर देंगे बस. ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसी फॉर्म में आया था ना जी. देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB. ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आया था ये. ए के जगह पे ये रख दिए हैं 0.73 और बी के जगह पे ये रख दिए 0.27. देखिए ए की जगह पे क्या रखा हुआ है 0.73 और बी की जगह पे ये. अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए. यहीं पे आप ऐड कर लो. ये रफ वर्क है. कॉपी में भी आप वहीं पे किनारे में ऐड कर देंगे 0.73 यहाँ पे 0.27. कितना हुआ? 7 में 3 का जोड़ेंगे. 7 में 3 जोड़ेंगे कितना? 7 3 10 0 कैरी 1 और ये 7 2 9 1 10 मतलब 0 कैरी 1 और यहाँ पे 1. और यहाँ पे बीच में ये डेसिमल डालना नहीं बोलेंगे. कितना आया? मैंने 1.00. तो पॉइंट के राइट में अगर जीरो दिया हुआ है तो ये इस पॉइंट का भी कोई वैल्यू नहीं है. माने ऑन द होल मेरा ऐड कितना आया? 1. इन दोनों को ऐड करने पे कितना आया? सिर्फ 1. और 1 का स्क्वायर कर दीजिए. 1 का स्क्वायर कितना आता है? 1. यही आपका आंसर है. देख लीजिए आया 1. दिखाई दे रहा कितना आसान है? अगर यही काम आप अगर अर्थमेटिक में करते तो आपको दिक्कत होता. अलजेब्रा से काम आसान हो जाता है. उसी तरह से ये लास्ट नंबर है 50. ये भी वही है. आप लोग बना लेंगे. छोड़ देना बनाएं. इसको आप ए मान लो दोनों को. ये 995 ये भी 995. तो ये भी हो जाएगा ए, ये भी हो जाएगा ये. ये 990 ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बी. और यहाँ पे ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी. बना लेंगे आप लोग उसी तरह से हैं. मान लेंगे कि लेट 995 इक्वल टू ए
एंड 990 इक्वल टू बी। तो आप ध्यान से देख लीजिए, ए में ए का करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू डॉट, इसके बदले ए आ जाएगा, इसके बदले बी आ जाएगा, प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर आ जाएगा, नहीं हो जाएगा फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये किसका फॉर्मूला होगा। हम ऐसे ही रफ स्केच कर देते हैं, आप लोग बना लेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब ये नाइन का सॉरी ए का वैल्यू कितना है 995, यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू लिख करके 995 माइनस बी का कितना है 990, तो यहाँ लिख देंगे 990। अब यहाँ पे माइनस करेंगे 995 में से 990 माइनस करेंगे, यहाँ स्क्वायर नहीं बोलेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ये देखिए 25 आया हुआ बन जाएगा, बना पाएंगे तो बना लेंगे, आप लोग प्रयास करेंगे और बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन आप लोग तब तक जितना सम से यहाँ पे हम बनाते हैं उतना आप लोग क्लासों कॉपी में बना लीजिए, और जो हम बीच बीच में छोड़ देते हैं सम उसको होमवर्क कॉपी में बना करके कल क्लास में आप लोग दिखाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।